दोस्तों, आप लोगों का एक सवाल था कि जब भी हम अपने सेटअप बॉक्स को, फिर वो चाहे डिश टीवी हो या फिर टाटा स्काई हो या फिर हमारा डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स की ही क्यों ना हो, उसको जब भी हम अपने किसी पुराने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ या फिर किसी पुराने टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें आउट ऑफ रेंज की प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर मैंने अपना डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है और सामने मुझको भी आउट ऑफ रेंज की प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को या फिर इस एरर को कैसे दूर कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। उसके चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको दो स्क्रीन की जरूरत होगी। एक तो स्क्रीन जिस पर आपको आउट ऑफ रेंज की प्रॉब्लम आ रही है और दूसरी स्क्रीन हमें चाहिए होगी, फिर वो आपका कोई भी टीवी हो सकता है जिसको हम जो हमारी ऑडियो वीडियो केबल होती है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरी स्क्रीन यूज़ करने वाला हूँ, अपना सोनी का नॉर्मल टीवी, जिसको कि मैं इस नॉर्मल ऑडियो वीडियो केबल के साथ कनेक्ट करूँगा। और जो आपकी आउट ऑफ रेंज वाली स्क्रीन है उसको आप HDMI केबल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा सोनी टीवी है वो डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, जिसको कि मैंने नॉर्मल ऑडियो वीडियो केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और जो मेरी दूसरी स्क्रीन है कि मेरा जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसको मैंने HDMI केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपने सेटअप बॉक्स के मेन्यू पर जाना है और यहाँ पर आपने वीडियो रेजोल्यूशन वाली सेटिंग को सर्च करना है। तो यहाँ पर मेरे पास दो सेटिंग्स हैं, डिस्प्ले सेटिंग है और एक टीवी सिस्टम्स है। तो पहले मैं डिस्प्ले सेटिंग में जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में कोई भी वीडियो रेजोल्यूशन वाली सेटिंग नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर आऊँगा और टीवी सिस्टम्स में जाऊँगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर STC का सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। आप हो सकता है किसी और कंपनी का सेटअप बॉक्स यूज कर रहे हो तो उसमें आपको सेटिंग्स डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपने करना क्या है, सिर्फ वीडियो रेजोल्यूशन वाली सेटिंग को ही आपने सर्च करना है। तो यहां पर मैं टीवी सिस्टम में जैसे जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझको वीडियो रेजोल्यूशन वाली जो सेटिंग है वो मिल चुकी है। यहाँ पर जो हमारी बाय डिफॉल्ट अभी सेटिंग सिलेक्टेड है वो 576i सिलेक्टेड है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी हमारा कंप्यूटर मॉनिटर सपोर्ट करता होगा रेजोल्यूशन उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो मेरा जो कंप्यूटर मॉनिटर है वो लेटेस्ट है, तो यहाँ पर मैं जो लेटेस्ट यानी कि सबसे जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन मेरे को मिलेगा उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग करके देख सकते हैं कि जो भी रेजोल्यूशन सेट करके आपको डिस्प्ले मिलता है अपने कंप्यूटर मॉनिटर में वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से 1080p और 60 रेजोल्यूशन को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ से 1080p 60 रेजोल्यूशन को सिलेक्ट किया तो जो मेरे टीवी की स्क्रीन है वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन जो मेरे कंप्यूटर मॉनिटर है उस पर मुझको अभी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। मैं अभी आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा वही मॉनिटर है जिस पर मुझे थोड़ी देर पहले आउट ऑफ रेंज की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब जो डिस्प्ले है वो बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप ये छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने आउट ऑफ रेंज के जो एरर आपको मिलता है अपने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ या फिर किसी भी पुराने टीवी के साथ उसको आप दूर कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ से एग्जिट करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स है वो बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो होपफुली दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।